सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? आज सामाजिक न्याय सम्मेलन के माध्यम से पूरे देशवासियों से मैं अपील कर रहा हूं कि देश में सामाजिक सद्भाव बना रहे, अमन चैन कायम रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समय आपस में भाई भाई की बात लगातार आगे बढ़ती रहे। इसीलिए सभी सावधान और सजग रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत पूरे देश को हिंदू मुस्लिम दंगे की आग में झोंकना चाहती है। इसीलिए वो दुहाई देती है, कभी हिंदू मुसलमान की, कभी मस्जिद और मंदिर की। और इसको देखते हुए, चूंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के दंगे की साजिश का आपको दुष्परिणाम दिखाई पड़ने लगा। पूरा मणिपुर पिछले 90 दिनों से जल रहा है, हरियाणा भी दंगे की आग में झोंक दिया गया है। जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है, वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा कराने में कामयाब भी हो रहे हैं। इसीलिए पूरे प्रदेश देशवासियों से मैं अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के इस साजिश से लोग सावधान रहें। हिंदू मुस्लिम सौहार्द या सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सभी धर्मों का आपस में मिलना जुलना भाईचारा कायम रहे। इसलिए सभी सजग रहें, सावधान रहें, भारतीय जनता पार्टी की किसी भी साजिश का शिकार न हो। साथ ही साथ आज धर्म के नाम पर जो तमाम लोग उन्माद पैदा कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद के माध्यम से दंगा कराना चाहते हैं, वोट हथियाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी सावधान रहना है। क्योंकि जब जब चुनाव नज़दीक आता है, तब तब भारतीय जनता पार्टी के लोग मस्जिद में मंदिर खोजना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि आज़ादी के दिन, यानी 15 अगस्त 1947 के दिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो यथास्थिति थी, उसको यथावत हमें स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि अमन चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहे। अन्यथा अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग धार्मिक उन्माद पैदा कर मस्जिद में मंदिर खोजना शुरू करेंगे, तो इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए आने वाले दिनों में कुछ लोग मंदिरों में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो दिन मुसीबत के बन जाएंगे और तथाकथित धर्म के ठेकेदारों का भी बुरिया बिस्तर बन जाएगा। इसलिए ऐसा दुस्साहस, ऐसा पाप न करें कि वो मस्जिद में मंदिर खोजें, जिससे कि आने वाले दिनों में मंदिर में बौद्ध मठ खोजने की आवश्यकता पड़ जाए। सामाजिक लड़ाई के बहाने कुछ राजनीतिक दल परिवारवादी बन जाते हैं, जब उनका, इस पर आप क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा पक्षपात और परिवारवाद तो कोई करता ही नहीं है। अभी 340 आईएस जो लिटरल एंट्री के नाम पर बनाए गए हैं, उसमें एक भी दलित नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, तो उनसे ज़्यादा जातवादी कौन है? परिवारवाद केवल बहाना है अपने पापों को छिपाना है। सर, दलित मोदी सर ने के मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, इस पर आप क्या कहेंगे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो राहुल गांधी को न्याय दिया है, उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से जहां लोकतंत्र जिंदाबाद हुआ है, राहुल गांधी को न्याय मिला है, वहीं पर देश के लोगों का विश्वास न्यायपालिका पर बढ़ा है। कल आजमगढ़ आए थे, उन्होंने प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत का दावा किया, इस पर आदिवासियों के स्वाभिमान सम्मान को लेकर क्या कहना?